सरकार ने बाल विकास परियोजना चलाई है, जिसके तहत गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, ताकि गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताओं एवं बच्चों का स्वस्थ पोषण हो सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के कैथोलिया गांव में संगीता सहित 31 लोगों को पिछले 6 माह से पोषाहार न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मैं ब्रह्मजीत, यह मेरा समुदाय। हम बताएं आपको, आज तक आंगनबाड़ी के द्वारा क्या दिया गया? कब से नहीं मिला? कब से नहीं दिया गया? 2 बच्चे हो गए ना, अभी तक आज तक कुछ नहीं दिया। और ये है आपको जानकारी, ये सतुआ फिर आता है तो क्या करती हैं? अब सतुआ आता है तो अपन बेच के खा लेते हैं, जब नहीं मिला था इनका तब का। तो बताएं आप लोग क्या क्या यहाँ से वितरण किया जाता है? कुछ नहीं मिला। कब से नहीं मिला? बच्चा ने रही डर रहा तब से नहीं मिला। और ये लड़की कितने दिन की हो गई? 1.5 साल। आपको बताया गया आंगनबाड़ी के द्वारा? कुछ नहीं बताया इन रहा। कभी बुलाया? कब नहीं बुलाया इन है। तो क्या चाहती हैं आप? चाहे था कि बराबर मिले सबको, लड़के बच्चे खाएं। हम बताएं आपके यहाँ टोटल गर्भवती एवं धात्री कितने माताएं हैं? गर्भवती तकरीबन 18 है। धात्री? धात्री 16। कुछ एक दो लोगों का नाम बताएंगे? नाजमा, और गर्भवती कुछ बताएंगी कौन कौन सी है? गर्भवती साबरीन और तो गांव के कुछ महिलाएं जो हाँ जो आपने नाम बताया वो तो कुछ कह रही कि हमें महीने पे मिलता है, आपका क्या कहना है? सर वो जो भी बोल रही हैं उनका बोलना है, हम लोग काम जो कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। तो वो गलत बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं? अब क्या कहें? अब मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि नियमित रूप से पोषाहार वितरण हो। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के CDPO का मोबाइल नंबर है 94-51-95-88-46 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, ताकि सभी पात्रों को नियमित रूप से पोषाहार मिल सके। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।